सुबह पंजाब में तकरीबन 50,049,349, बलोचिस्तान में 6,100 और के खैबर पख्तूनख्वा में 11,975। तो हमने क्या क्यों ये हमारी परफॉर्मेंस जो थी थोड़ी सी बेहतर इन टर्म्स ऑफ रिकवरी। अच्छा मैं एक और चीज बता दूं, ये बड़ी बातें नहीं है, इस वक्त तक जो फर्टिलिटी रेट है सिंध सूबे का सबसे कम बलोचिस्तान सूबे का है, 1.1% रिपोर्टेड केसेस में जो डेथ्स हुई है। उसके बाद सूबे सिंध है 1.57%, फिर सूबे पंजाब है 2.26% और खैबर पख्तूनख्वा 3.62%। तो ये नंबर्स में देखिए, ये पूरे पाकिस्तान को फेस कर रही है ये पेंडेमिक, और इसीलिए मैं कह रहा था कि हमने सपने, लेकिन हमने तो इधर बड़ी बातें हुई कि सुबह हमने सिर्फ बातें की हैं कि रिजल्ट्स हेल्थ डिपार्टमेंट के, हमारी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर जया पेचो, हमारी जो टीम थी, हमारे सब लोगों को सबने कॉपरेट किया। मैं आज वो बात बताऊंगा, कल उन्होंने जिक्र किया था कि कैसे हमने एग्री किया था लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, हमने साथ भी साथ थे उस मीटिंग में, और मुझे हैरत सिर्फ ये हुई कि कल उन्होंने कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर से पूछा और फिर एग्री किया, लेकिन हैरत इस बात की 22 मार्च 2020 की बात है, जब हमारी मीटिंग हो रही थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे थे कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, आज कह रहे कि हमने 13 मार्च से लॉकडाउन कर दिया है। 22 मार्च की तकरीर उठा लें, जब हम मिल गए थे उधर चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, और उस दिन रात को एक टीवी एंकर ने मेरे उसको प्रोग्राम कर दिया कि जी सुपर सिंध के चीफ मिनिस्टर डिफाई कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो मैंने फिर उनसे बात की थी और उन्होंने अगले दिन मुझे अपने शो पर लिया था और क्लैरिफिकेशन भी मैंने दी थी। हाँ जी, इन टर्म्स ऑफ हमने क्या किया, ये मैंने पहले बताया था, टेस्टिंग हमने अपनी बढ़ाई। जिस दिन ये वबा पहला दिन था 26 फरवरी 2020, 80 टेस्ट की कैपेसिटी थी, आज हम 13-14 हजार पे हैं। कुछ पिछले कुछ दिनों से टेस्ट कम हो रहे हैं और उसको हम देख रहे हैं कि क्या इश्यूज हैं। कुछ हमारे जो लोग हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए, इस वजह से हमारे पास टीम्स की कमी हो रही, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। बट ओवरऑल मैं आपको बताता हूं, सूबा सिंध ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये पर मिलियन देखते हैं कि 10 लाख लोगों में से कितनों को टेस्ट किया, फिर उसमें कहेंगे यार इस तरीके से आप जाएंगे कब पूरों को टेस्ट करेंगे। लेकिन सूबा सिंध 8,585 टेस्ट पर मिलियन, पूरे पाकिस्तान का एवरेज ले लें, उसमें सूबा सिंध ऑब्वियसली शामिल है, इसलिए हमने एवरेज बढ़ाया पाकिस्तान का 5,403। भारत पाकिस्तान से उन्होंने ज्यादा टेस्ट किए 5,636, लेकिन सूबा सिंध से कम टेस्ट किए 8,585 सूबा सिंध के। बाकी सूबों को भी देख रहे हैं, सबने काम किया है, वी वर्क वेरी हार्ड। मैं किसी को वो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि क्या किया आपने, उसका जवाब देना चाहता हूं। पंजाब मैंने बताया 8,585 टेस्ट पर मिलियन इन सिंध, पंजाब 4,192, केटीके 3,822 एंड बलूचिस्तान 3,730। सो जो एक और, हाँ ये एक स्लाइड मेरे पास, मैं पिछले 25 दिन का डेटा मेरे पास है कि मैं जाना भूल गया पीछे से, ये महीना जून का 26 तारीख है, 25 जून यानी जो ये इंफेक्टिव, ये जो 26 फरवरी से 1 जून से मैं देख रहा हूं। अब तो सबने प्रिपेयर कर लिया ना, एवरीबडी वॉज नॉट टेकिंग ऑफ गार्ड। हमने तो सुना था कि पता नहीं जनवरी दिसंबर से पहले से काम शुरू हो गया था, अभी कोविड का पता नहीं था, लेकिन हमारे कुछ सूबे ने काम शुरू कर दिया था इस पर, बड़ी अच्छी बात है, उनको एडवांस टेलीपैथी हो गई थी कि ये वबा आने वाली है, अच्छी बात है। लेकिन अब तो सब पिछले 25 दिनों में, पहली से लेकर 25 जून तक सिंध ने 2,28,342 टेस्ट किए,
पंजाब ने 2,21,981 टेस्ट किए, मतलब अब तो सबने टाइम ले लिया ना, प्रिपेयर कर लिया, हम आधा सूबा है पंजाब से, लेकिन हमारे टेस्ट पंजाब से ज्यादा हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा 74,720 और बलूचिस्तान 21,553। सो जो मैं ये एक्चुअली बताना चाहता हूं कि पिछले 25 दिन में जो हमारे टोटल केसेस है ना, मैंने 1,95,000 कुछ बताए थे, इनमें पिछले 25 दिन में 1,23,285 केसेस हुए। अगेन सिंध में सबसे ज्यादा 46,923, पंजाब 45,747 और बाकी दोनों सूबे। इन्फेक्टिविटी रेट, और मैं आगे इसकी जिक्र करूंगा, सुबह सिंध का 20.55%। कहते हैं कि सिंध, मैंने कुछ दिनों पहले वो शहीद के प्रोग्राम में थे, शहीद ऑब्वियसली डेटा उस वक्त नहीं था उनके पास बता सके, कि वो कह रहे थे कि सिंध में कंट्रोल नहीं हो रहा, बाकी जगह पे हो गया। सिंध का इन्फेक्टिविटी रेट 20.55%, पंजाब का 20.61%, यानी ज्यादा सबसे सबसे ज्यादा बलूचिस्तान का 25.76% और केपी के 19.09%, यानी तकरीबन एवरेज 20% के करीब है, 20-21%। और ये मैं बताऊंगा कि क्यों हो रही है। अच्छा, इसको मैं कंपेयर करूंगा बाकी मुल्कों से। सबसे पहले जो है क्या किया उन्होंने, जब ये वबा आई थी हमने तैयारी की, पहली अप्रैल को हमारे पास सूबे सिंध में जो हमने मुख्तस किए थे, जो रिजर्व किए थे कोविड पेशेंट्स के लिए बेड्स, वो 91 थे आईसीयू बेड्स। जिस दिन मैंने बजट स्पीच किया और मैंने ये बताया था, उस दिन 396 हो गए थे, 91 से बढ़ के। और ये पिछले एक हफ्ते में, तकरीबन एक हफ्ते से थोड़ा, कल तक की फिगर है मेरे पास, हमारे पास 459, यानी एक हफ्ते में 63 कोविड पेशेंट्स के लिए हमने आईसीयू बेड्स इंक्रीज किए। इस तरीके से एचडीयू बेड्स की तरफ आ जाए, हमने जब शुरू किया था, अप्रैल में शुरू नहीं कह रहा इसलिए जब पेशेंट्स आने शुरू हुए ज्यादा, 1 अप्रैल को 79 बेड्स थे। जिस दिन मैंने तकरीर की थी उस दिन 739 एचडीयू हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स जो हैं, जहां पे ऑक्सीजन पेशेंट्स को देने, उतने बेड्स थे। कल ये 739 से बढ़ के एक हफ्ते में 1569 हो गए, 830 की इंक्रीज हुई है। और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ जुलाई, मैं जून का नहीं नंबर देता, 606 हमारे पास हो जाएंगे, जो प्लान है, लेकिन शायद इससे ज्यादा हो जाए, इस वक्त ये प्लान है। अभी मुझे कल बताया था सईद ने कि उन्होंने जो सोशल सिक्योरिटी में 85 बेंड्स और प्रिक्योर कर लिए, आगे इंशाल्लाह वो भी हम ऐड करेंगे पूरे सिस्टम में। तो ये इस वक्त जो प्लान है 606 आईसीयू बेड्स और 1968 हम करेंगे एचडीयू बेड्स, लेकिन जो इस वक्त हो गए वही बता दिया। अच्छा, कराची, बिकॉज ऑब्वियसली कराची को हमने देखना चाहिए, कराची के अंदर 63 बेड्स थे हमारे पास आईसीयू के, पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, व्हेन वी स्टार्टेड। और आज से एक हफ्ता पहले तक जिस दिन बजट की थी वो 306 हुए थे, और 23 बेड्स और हमने ऐड किए, इसमें 329 हो गए। जहां तक एचडीयू बेड्स, बिकॉज एचडीयू का इशू हमें ज्यादा आ गया था, और इसी वजह से हमने वो जो एक्सपो सेंटर था उसको भी कन्वर्ट किया है इंटू 140 बेड एचडीयू हॉस्पिटल एंड 8 आईसीयू बेड्स भी हैं उसमें। 635 थे एचडीयू बेड्स 17 जून तक, 62 से शुरू हुए थे, और कल 1117, यानी 482 बेड्स हमने ऐड किए। अब आपने कहा होगा कि इतना मसला क्या है, ये आपने सारा किया है इसलिए कि हम समझते हैं कि वबा अभी हमारे साथ रहेगी, बिकॉज हमारी अपनी गलती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मुझे बड़ी हैरत हुई कल, उन्होंने, अच्छा कल उनकी तकरीर थी नेशनल असेंबली में, कुछ मुझे भी देखने का, मैं उस वक्त तो नहीं देख सकता, बाद में रात को देखने का मौका मिला मुझे। खैर, बाकी जो उन्होंने किया, जो हमारी सात मुल्क के साथ, कल वो यस्टरडे वाज़न्ट अ बैड गुड डे फॉर अस, हमारी मुल्क की स्टैंडिंग, एक नॉन टेररिस्ट को आपने मार्टर कर दिया, जिसके लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब ने नेशनल असेंबली में जब वो प्राइम मिनिस्टर पे खड़े होकर स्पीच की थी कि ये हमारे लोगों का कातिल है। बस एक और रिपोर्ट आ गई, ये पीआईए में पता नहीं 1/3 पायलट पता नहीं कितने बगैर लाइसेंस के चला रहे हैं,
इधर तो उन्होंने मोटरसाइकिल के लाइसेंस की बात की थी, बट आप आने देना ये इसकी, आप प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे ऐसी बातें कर देते हैं, ठीक है आपकी आदत है, कुछ पता थोड़ा सा चलता है उसको बगैर कंफर्म किए बगैर सोचे समझे, उन्हें आज बताऊंगा काफी चीजें ऐसी जो बगैर कंफर्म किए ये बोल देते हैं, फिर बाद में दे हैव टू टेक द वर्ड्स बैक, कहते हमें तो पता ही नहीं था, ये मैं बताऊंगा आज आपको। सर इश्यू ये है कि कराची में हमारे पास जैसे मैंने बताया 329 बेड्स हैं विद बेंच, इस वक्त एज आई स्पीक एज ऑफ यस्टरडे 139 पेशेंट्स थे वेंटिलेटर पे, तो इस हिसाब से 190 के करीब बेड खाली होने चाहिए थे, अनफॉर्चुनेटली 120 पेशेंट्स ऐसे हैं जो वेंट पे भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स एडवाइस नहीं कर रहे हैं उनको उन वेंट बेड से हटाने के लिए, तो वो रिजर्व शॉर्ट ऑफ उनके लिए हो गए। तो हमारे पास कल की तारीख में सिर्फ 70 आईसीयू बेड्स अवेलेबल थे और एचडीयू बेड 721 अवेलेबल थे कल की तारीख में, और जैसे कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर वो बिकॉज ऑफ नॉट प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जुलाई में होगा, पता नहीं अगस्त में होगा, पी रोज वो हमें सही इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे जो भी होती है। तो डर की बात क्या है, जैसे मैंने बताया कि हमारे सूबे में सॉरी हमारे मुल्क में 20% इन्फेक्शन रेट है इस वक्त, जितने टेस्ट करते हैं 100 टेस्ट करते हैं तो 20 लोग, और ये पिछले एक महीने का 25 दिन का डेटा है, एक दो दिन के बात नहीं है, आज तो अल्लाह का शुक्र है कुछ कम आए हैं जो मुझे पता है। और फिर कहीं ये लॉकडाउन शॉकडाउन नहीं है, एक तो कल कहा गया कि 13 मार्च को लॉकडाउन कर दिया था, 13 मार्च को मैं था उस मीटिंग में, 13 मार्च को मेरे साथ डॉक्टर अजरा पेचुआ साहब थी उस मीटिंग में, हमने कहा था लॉकडाउन करो एयरपोर्ट्स बंद करो, मुझे अच्छी तरह याद है, कहा जी नहीं ये तो हो गए, इंग्लैंड में तो लॉकडाउन हुआ नहीं उस दिन, इंग्लैंड का या था आज इंग्लैंड का उठा, तो जो मर्जी है ना जिस वक्त अपना स्टेटमेंट चेंज करते रहने, कहते मैंने तभी मेरा बयानिया एक रहा, मुझे बड़ी हैरत होती है तो मेरे सामने ये सारी चीजें हुई है, मेरे सामने ये सबको याद होगा ना कि ये सिर्फ फ्लू है, थोड़ी सी खांसी होगी और आप ठीक हो जाएंगे, और बूढ़ों को सिर्फ होती है जवानों को नहीं होगी। हमारा मुर्तजा बलोच को इतनी बड़ा उम्र का तो नहीं था, उसके जाने का टाइम नहीं था ये, लेकिन ये मैसेजेस थे ये जा रहे थे, थोड़ी सी खांसी हो जाए तो टेस्ट कराने नहीं निकल जाना, और अब कहते मेरा भैया ने एक था और मैंने लॉकडाउन 13 केसेस थे मुल्क में सबको, जबकि 22 मार्च को जब हमने लॉकडाउन का ऐलान किया था उससे पहले हमने शुरू किया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो प्रॉपर और जो सिर्फ 3-4 दिन का, इधर सही बात की थी कि लॉकडाउन था बिल्कुल नहीं था, नहीं हो सका। अगर मुल्क का वजीर आजम बैठ के कहेगा कि लोग भूख मर जाएंगे, लोग बाहर निकल आएंगे, कितने लोग बाहर निकले थे, मैंने पूरे रिकॉर्ड चेक कराया, देयर वाज वन इंसिडेंट इन हैदराबाद, और ऐसे इंसिडेंट्स हमारे मुल्क में होते रहे, फ्लड्स के अंदर भी ये ट्रक्स लूट जाया करते थे, रास्ते में लोग छीन लिया करते थे, गुर्बत है हमारे मुल्क में, लेकिन गुर्बत कोरोना से पहले एक शख्स, मैंने बताया ना तकरीबन 4,000 डेथ्स हुई है जो रिकॉर्डेड डेथ्स है कोविड की, एक शख्स मुझे बता दे जो पिछले 4 महीने में फरवरी 26 से जिसकी डेथ भूख की वजह से हुई है, एक भी नहीं है। यस गुर्बत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुर्बत नहीं है, लेकिन ये गरीबों का बहाना बना के, हमने कल कहा है कि 13 मार्च को मैंने लॉकडाउन लगा दिया था, फिर कुछ दिनों पहले कहा था अशराफिया ने लॉकडाउन लगा दिया, और अभी भी कहते हैं कि मेरा बयानी है कि अरे वो टीवी चैनल्स को दे दिया अभी जो फील्ड दे, वो सारे एंकर जो दिखा देगा कि हम खुद तना आ गए वो चीज सुन सुन के, कहते बस करो भाई ये नहीं सुनना इसको अब हमने, लेकिन सुनना पड़ते जी रोज आ रहे। अच्छा जी दुनिया में एग्जाम्पल दिए जाते फलाना मुल्क खुल गया, फलाना मुल्क खुल गया, ये हो गया वो हो गया, कैसे खुले हैं आपको पता है, इटली जो बहुत बुरे हालात से गुजरा, इस वक्त इटली का इंफेक्टिविटी रेट जो है, इंफेक्शन रेट जो है, जो हमारा 20% है, इटली का है 0.5%,
इंग्लैंड का, यूके का उसके एग्जाम्पल देते हैं ना, उसके वजीर आजम को भी हो गया था कोरोना, उससे पहले तक तो कहता था कोई बात ही नहीं है, मैं तो सबसे हाथ मिलाता फिरता हूं, उसके बाद जो उसकी हालत हुई वहां 1%, यूनाइटेड स्टेट्स में आज की तारीख में इन्फेक्टिविटी रेट 5%, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट थी वहां न्यूयॉर्क स्टेट, वहां 1% से कम है अब 0.97% था कल, आज पिछले कुछ दिनों से 1% से कम है इन्फेक्टिविटी रेट। अच्छा ये मुझे थोड़ी सी हैरत हुई थी, मुझे कल किसी ने दिखाया ये जो बात होती है ना कोविड के 19 पॉइंट है, पता नहीं क्या ये बात हुई थी कि 19 है क्या, ये कसूर सिर्फ इनका नहीं है कि इनको नहीं पता। इवन जो अमेरिका के सदर है ना, उनकी मैंने एक वो देखी स्पीच, कहते हैं कि आई डोंट नो व्हाट द 19 स्टैंड्स फॉर, आई एम स्टिल नॉट श्योर द 19 इज फॉर। तो ये वो लाइनें उधर ही मिलती है सारी है, मैं आपको बता रहा हूं अमेरिका 5%, इंडिया तबाही हो गई इंडिया में, और एग्जाम्पल ले रहे हैं इंडिया को, कह रहे हैं हाँ हम उतने सिखाते हैं, उन्होंने जो जवाब दिया उससे हम सब एम्बैरेस हुए, हम सब एम्बैरेस हुए, हम नहीं होना चाहते इंडिया के सामने एम्बैरेस, हमें क्यों करते हो इंडिया के सामने तुम एम्बैरेस। 8% इन्फेक्टिविटी रेट हमारा 20%, इसी वजह से हम कहते हैं कि जो WHO की गाइडलाइंस है, जो कह रहे हैं कि जी आप इकोनॉमी का भी सोचो और अपने लोगों की जिंदगी का सोचो, फर्क ये है, हाँ चीजें बिल्कुल दोनों को बैलेंस करना चाहिए मेरे हिसाब से, और मैं भी दोबारा, मैंने पहले भी कहा था, एक हफ्ता पहले कहा था, मैं फिर कहता हूं, अगर मेरे सामने लाओगे तो मैं लाइफ एंड लाइवलीहुड, यू नीड टू बैलेंस दिस, आई गिव 99.9% वेटेज टू लाइफ एंड 0.1% मे बी टू लाइवलीहुड, वी विल नेवर लिव अ डे। लेकिन अगर इस तरीके से मुनव्वर हुसैन साहब है हमसे कुछ जुदा हुए, ऐसे ही वॉज कोविड पॉजिटिव, अल्लामा तालिब जौहरी साहब, इस तरीके से हम गवाते जाएंगे अपने एसेट्स, अपने लोग, मुफ्ती नईम साहब खुद नहीं थे लेकिन उनकी सारी फैमिली कोविड पॉजिटिव है उस वक्त, उनका अपना टेस्ट हुआ नहीं था जहां तक मुझे पता है। बड़ी अजीब बात है ना, जब मैं एक दो और लोगों से भी कहा है मैंने कि हो रहा है कि भाई इनको तो कोई ऑपरेटिव थी ना, इनको तो जाना ही था, ऐसे लाइफ जिंदगी को ऐसे नहीं सोचो कि इनको तो जाना ही था, इनको तो मरना ही था, या जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, हमारा बिलीफ है। लेकिन ठीक है, रोड एक्सीडेंट में भी इतने लोग मर जाते, क्या बात है, ये भी किसी ने कहा था, मतलब अतर उनकी अकल पर हैरत होती है, और पूरी दुनिया ने फिर उस पर बात की है। सर कोविड के हवाले से मेरा मैसेज यही है कि इट इज नॉट ओवर, हमें अभी भी अकल के नाखून लेने चाहिए, WHO की जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करना चाहिए, अपने डॉक्टर्स का ख्याल करना चाहिए। तो डॉक्टर्स जब आके कहते हैं कि जी लॉकडाउन करो, तो कहते हैं सिंध हुकूमत ने इनको कहा है, सर हमने तो कहा था, फिर पंजाब के डॉक्टर्स ने भी कर दिया, केपीके के डॉक्टर्स ने भी कर दिया, बलूचिस्तान के डॉक्टर्स ने भी कर दिया, यार अगर सिंध हुकूमत इतनी ताकतवर है तो तुम क्यों बैठे हो, छोड़ो कुर्सी संभालने में, हमें तुम्हें दिखाएंगे, और वाकई मैं बताता हूं काफी चीजें और भी है मेरे पास। हाँ जी, अच्छा मैं लोकस पे बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है हम सबने एग्री किया था कि लोकस पे हम करेंगे, तो आई वॉन्ट टेक टाइम बिकॉज आई टॉक, एंड राहुल साहब की मैंने तकरीर सुनी थी, उन्हें बड़ी, तो वीको की बात कर रहे हैं भाई, वीको नेशनल एक्शन प्लान में NDMA ने, उनके जो जनरल साहब हैं और उनके लोग हैं, उन्होंने कहा आपने ये चीजें परचेज करनी है, काम हमारा नहीं है, बात होती है जहाज है तेल, वो भाई तेल तुमने डालना है जहाज में, पायलट तुम्हारा होना चाहिए, ये इनको मतलब समझ नहीं आ रही, लेकिन ठीक है जो बोलना है मीडिया के सामने जो आके बोलना है बोले, ये दिस जॉब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इज द जॉब ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, इसलिए उसके बावजूद सिंध हुकूमत का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मोर देन 90% काम वो कर रहे हैं, हाँ वो कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट वाले भी मदद कर रहे हैं, 98 टीम्स है इस्माइल राव साहब के डिपार्टमेंट की और 6 टीम्स उनकी है जो उस वक्त काम कर रही है फेडरल गवर्नमेंट की। जहाज जो है
पिछले साल नवंबर में प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट वाले खुद मेरे पास आए थे, राहुल साहब गवाह होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी कहीं बैठे होंगे इधर और भी गवाह होंगे, उन्हें कहे कि हम क्या करें, पैसे रिलीज हो गए लेकिन 15-20 दिन लगेंगे इसलिए हम तेल नहीं खरीद सकते। 1 करोड़ रुपया हमने ग्रांट दी फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को या तेल खरीद लो। दिस वॉज द सीरियसनेस जो कि की दी हुई थी इन्होंने आपके इस वबा इस लोकस को। तो मैं लोकस पे है मेरी तैयारी लेके आया तो मैं, लेकिन मेरा ख्याल है आई वोंट टॉक अबाउट इट नाउ, वो इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो हम करेंगे। मैं सीधा चला जाता हूँ आपकी बजट के ऊपर, इसलिए कि बजट स्पीच सुनी नहीं कुछ लोगों ने, मैं थोड़ी सी चीजें रिपीट करूंगा। 1.241 ट्रिलियन का बजट है, 968 बिलियन करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 232 बिलियन या 233 बिलियन ईयरली का हमारा एडीपी है। फेडरल रिसीट्स बड़ी बातें हुई हैं बड़ी इधर, और मैंने सबकी स्पीच सुनी थी। मैं अरसलान साहब को कोविड हो गया मैंने सुना था आज, बड़ा मुझे अभी पता चला, मुझे नहीं पता था पहले, उनकी स्पीच बनी मैंने अलग सुनी। बिलाल गफार साहब की भी स्पीच सुनी थी, वो उस पर थी, लेकिन इन दो लोगों ने ज्यादा बात की थी रिगार्डिंग दी व्हाट द फेडरेशन, जो बड़ी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहा गया कि फेडरेशन जो है 78% जो सूबा डिपेंड करता है फेडरेशन पे, वो कैसे करेगा अपने पांव पर खुद कैसे खड़ा होगा। लेकिन ये आईने पाकिस्तान में टैक्सेस की दी हुई है कि कौन से टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, मेजॉरिटी ऑफ द टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, इसी वजह से वो 78% हमें देते हैं और कम देते हैं। मैं अभी बताऊंगा सारा डाके की जो बात थी, वो डाके की बात भी बताऊंगा आपको। उन्होंने कहा कि 78% देता है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ऐसे नहीं मानेंगे, ये आप जाकर ले लीजिएगा, मैं नहीं दूंगा आपको, इसलिए कि मुनासिब नहीं है, लेकिन ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। पंजाब का भी बजट है, सिंध का तो आपके पास है, ये बलोचिस्तान पख्तूनख्वा का, ये बलोचिस्तान का है, उनके भी जरा पढ़ लीजिएगा नंबर्स। अब मैं आपको नंबर्स बताता हूं, ठीक है। सिंध ने 2019-20 में जो फेडरल शेयर ऑफ टैक्सेस है, जो सिंध अगर 100 रुपए खर्च कर, 100 रुपए उसकी अर्निंग है, तो 70.04% 70.04 रुपए हमें दे रहा है वफाक। अगले साल 2020-21 में, इसलिए वफाक दे उसकी मैं बात करूंगा, 4.9 ट्रिलियन का उन्होंने बड़ा अच्छा टारगेट रखा है। इस दफे भी कहा था ऑनरेबल लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने कि मेरा कप्तान कहता है कि टारगेट बड़े रखने चाहिए, इसलिए 5.5 ट्रिलियन रखा था, उस वक्त कहा था नहीं पॉसिबल है, लेकिन नहीं माने। और मैं बताऊंगा ये कोविड के ऊपर भी सारी आप ब्लेम डालें। अगले साल 72.59% और 2018-19 के एक्चुअल नंबर्स, इसलिए एक्चुअल भी आ जाते ना, ये तो इस साल के अभी एस्टिमेट्स हैं, रिवाइज एस्टिमेट्स हैं, अगले साल के तो प्योर एस्टिमेट्स हैं, पता नहीं क्या होंगे। और एक्चुअल नंबर्स ये भी आपकी बजट बुक्स में होते हैं, जो 2018-19 के जो पहला साल था पीटीआई की फेडरल गवर्नमेंट का, 76.12% सिंध का जो फेडरल था। हमने कहा यार जरूर कोई, हम शायद नहीं काम कर रहे, पंजाब को देख लें, पंजाब का कितना फीसद वफाक से मिलता है उनको जो वो बजट बनाते हैं। 2019-20 में हमारा 70% एस्टिमेट, जो भी नंबर्स रिवाइज एस्टिमेट जो है उनका 85.51%, 2020-21 अगले साल हमारा 72.59 उनका 86.64%, 2000 अच्छा मैंने इन्होंने फिर ये कहेंगे नहीं था एक्चुअल नंबर, चलो एक्चुअल नंबर सही पंजाब की किताब में उठा के देख लीजिएगा, दिस इज प्रोविंशियल टैक्सेस वर्सेस फेडरल टैक्सेस।
एक्चुअल हमारे कितने थे मैंने बताया था 76.12%, 76.12%, पंजाब 85.83%। वो अच्छी बात है यार, बट इसलिए कि टैक्सेस फेडरेशन दे रही है। लेकिन अगर कोई सूबा अपने पांव पे खड़ा है बाकी सूबों से, उससे लेने आगे उस सूबे का भी जिक्र करूंगा जहां पिछले 7 साल से ये हुकूमत पीटी है, केपीजे 2019-20 रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, सिंध 70%, पंजाब 85%, ऑलमोस्ट 86%, खैबर पख्तूनख्वा 92.86% फेडरल गवर्नमेंट से मिलता है, 8% अपने टैक्सेस जमा करते हैं, नियरली 93%। अगले साल सिंध 73%, मैं राउंड ऑफ कर लेता हूं, पंजाब 87%, खैबर पख्तूनख्वा 94%। आ जाए जी कह यार ये तो फिर आपने वही किया है ना, पूरा नंबर दे रहे हैं तो एस्टिमेट से पता नहीं क्या होगा, एक्चुअल बता देता हूं आपको। सिंध 76%, मैं पहले बता चुका हूं, पंजाब नियरली 86%, 85.83, खैबर पख्तूनख्वा 95%, 95% है। ये उनकी जो मैं कहूंगा मेरे सामने अगर ना आ जाए तो बेहतर है, आपको एहतजाज को पूरा आके हमने आपको दिया है, लेकिन ये तरीका नहीं है कि आपने खुद तकरीरें की, तकारीर की बड़ी अच्छी तरीके से और अब आप ये कर रहे हैं, तो क्या इतने कौन मत है दुखों ने मुझे दिखल था धंधा। चल जाए भाई अपना मार्च पास्ट कर लो, सलामी दे रहे हैं पता नहीं, बहुत शुक्रिया, आगे चले। हाँ जी मैं फिर आपको बताता हूं, पंजाब हमसे दुगना सूबा है, सिंध के टैक्सेस एक्चुअल जो कलेक्शन थी 2018-19 की बड़ी आप करते थे आपने नहीं किए, हमसे दुगना सूबा होने के बावजूद हमने किए 178 बिलियन कलेक्ट, 177.3 बिलियन, पंजाब ने 191.6 बिलियन, 21 अरब रुपए, बल्कि 14 अरब रुपए हमसे ज्यादा, और खैबर पख्तूनख्वा जो सबसे 7 साल से जहां इनकी हुकूमत है 20 अरब रुपए के टैक्स उन्होंने कलेक्ट किए। हाँ जी ये इनकी हालत है, और हमें कहते हैं कि इस सामने से आप लोग अगर इस तरफ चले जाए क्योंकि ये डिस्टर्बिंग द हाउस, जब आप लोगों ने तकरीरें की थी तो उस वक्त मेरे सामने से स्पीकर साहब दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, अगर ये ऐसे करेंगे दिस इज नॉट, उस तरफ जाए आप अपनी सीटों में चले जाए, बहुत अफसोस की बात है, चले बताऊंगा कहीं प्रमोद यू गो बैक। अच्छा भाई मुकेश यार आप छोड़ दें, टीवी जी मैं बोलता हूं ये भले मैं इतजाज, लेकिन ये कोविड की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है ना, तो कोविड की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये तो टोटली एसओपी के स्पीकर साहब आप पे मैंने भरोसा करके और ये किया था, बट दिस इज साइड ये कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि पॉइंट आउट किया था हमारे कुछ हमारी यस्टरडे हो गई थी, यस्टरडे टू ऑफ द मेंबर्स हैव कम पॉजिटिव, तो वो भी ऐसी हरकतों की वजह से वो हुआ है, आई एम श्योर दे शुड रियलाइज। अजय जी ये फेडरल गवर्नमेंट की बात हुई थी कि हम बड़े बड़े टारगेट्स रखते हैं ताकि हम पूरे करें, ये मिसलीड करते हैं प्रोविंसेस को, हमारी बजट्स को बिगाड़ने में इनका हाथ है, बताऊंगा क्यों।
स्पीकर साहब, जैसे मैंने बताया कि इस साल जो हमारी टोटल 835 अरब रुपए हमें फेडरल गवर्नमेंट से मिलने थे, एज आई स्पीक हमें 553 अरब रुपए मिले हैं और इन्होंने वादा किया है कि 606 देंगे। रेवेन्यू असाइनमेंट्स में से 761 बिलियन हमें मिलने थे, रिवाइज एस्टिमेट उन्होंने 535 अरब से भी थोड़ा कम कर दिया और आज तक हमें मिले हैं 497 अरब, यानी 30 जून को 37.13 बिलियन इन्होंने हमें देने हैं। मैं 30 जून को जब वो पैसे हमारे अकाउंट्स में आएंगे, और तरीका नहीं है, मैं किसी तरीके से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, वो ये ट्वीट श्वीट्स आजकल होती है कि एक्चुअल पैसे हमारे अकाउंट में ऑन डिविजिबल पूल कितने आए, तो पता चल जाएगा कि इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। अच्छा, ये परफॉर्मेंस क्यों खराब है? इसलिए कि इन्होंने 5.5 ट्रिलियन कहा था, रिवाइज एस्टिमेट 3.9 ट्रिलियन के लिए आए। चलो, इस साल तो कोविड है, ब्लेम इट ऑन कोविड, मुझे किसी ने बताया था, इसलिए कि इनके भी लोग जो है ना आके बातें बताते हैं, हमारी भी बातें छुपती नहीं है। कैबिनेट मीटिंग में जब आई थी तो कैबिनेट को जो हेड, फेडरल कैबिनेट को जो हेड करते हैं, उनने कहा लुक एट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, भाई अपनी सारी गलतियां इसके ऊपर डाल दो। 2019-20 तो कोविड के आप हवाले कर दें, 18-19 में क्या हुआ? आपका जो पहला साल था, 18-19 में कोई डिजास्टर आया था मुल्क में? नहीं, डिजास्टर वो कोई फ्लड आया था, कोई अर्थक्वेक आया था? क्या आया था? पीटीआई आई थी, हर चीज प्रीवियस, कोविड भी प्रीवियस। भाई मैं आपको बताता हूं, वो प्रीवियस नहीं, अपनी यू नो स्टैंड ऑन योर ओन फीट, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, यू बीन यू नो सेलेक्टेड टू लीड दिस कंट्री, तो अपने सेलेक्टर्स का तो मान रख लो। हाँ जी,